ओके ठीक है. सो वंस अगेन हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास टुडे. ओके एंड इट इज द थर्ड डे ऑफ आवर क्लास. सो पॉइंट इज दैट इन द लास्ट वीक वी डिस्कस दैट व्हाट इज सर्विस नाउ. स्पेसिफिकली इफ आई गो टू द स्लाइड्स, जैसे क्विक रिकैप, नॉट द डीप रिकैप नाउ. ओके, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था व्हाट इज सर्विस नाउ बेसिकली. देन सर्विस नाउ में SaaS क्या है, PaaS क्या है, ITSM क्या है, ITOM क्या है, ऑल दिस थिंग्स. देन सर्विस नाउ जर्नी, अभी हम कौन से रिलीज पर आ गए हैं. क्यूबिक इज द लेटेस्ट रिलीज विच इज गोइंग टू बी रिलीज इन मे बी इन द मंथ ऑफ मार्च. ठीक है. एंड ओके, इस पर कुछ एक चीज़ और याद आई गाइज, जो सर्विस नाउ है ना, वेन दे रिलीज एनी न्यू वर्जन, ओके, दे हैव अ बिग इवेंट. ओके, बिग इवेंट मीन्स दे कॉल देयर समहाउ दे कॉल देयर कस्टमर्स एंड देन दे लॉन्च द स्पेसिफिकली दिज प्रोडक्ट्स. सो इसका अगर मेरे पास कोई इंटीमेशन आता है ना, बिकॉज आई एम ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑन दैट दिस सर्विस नाउ साइट एंड मेरा ऑफिशियल भी ID है वहाँ पर. सो आई गॉट सम ईमेल कि ऑन दिस पर्टिकुलर डे वी आर रिलीजिंग द सर्विस नाउ दिस वर्जन. सो आई विल शेयर द डिटेल विद यू सो दैट यू ऑल्सो गाइज ज्वाइन दैट इवेंट एंड लिसन टू द पीपल. ठीक है, ये हो गया. देन वी डिस्कस अबाउट द यूजर्स कौन से होता है, रिक्वेस्टर क्या होता है, अप्रूवर क्या होता है, फुलफिलर क्या होता है. मेनली ये तीन चीजें था. एंड देन वी कम टू द ये पर्टिकुलर पार्ट. ठीक है. सो फ्रॉम द लास्ट सेशन विच तेजल रेज अ पॉइंट दैट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट हाउ और वेन वी से सर्विस नाउ इज सिक्योर. सर्विस नाउ इज सिक्योर बिकॉज वेन यू ट्राई टू लॉग इन इन टू सर्विस नाउ इंस्टेंस, आई एम अगेन रिपीटिंग नाउ माई वर्ड्स स्पेसिफिकली इंस्टेंस, इट इज रिक्वायर्ड टू लॉग इन विद HTTPS. ओके, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आई विल शो यू ऑन माई स्क्रीन नाउ. मेरा पर्सनल इंस्टेंस है dev86271. दिस इज माई पर्सनल इंस्टेंस बिकॉज आई टेक इट फ्रॉम द सर्विस नाउ. ठीक है. सो आपका भी एक पर्सनल इंस्टेंस मैं आपको बताऊंगा, आपको कैसे लेना है, कहां से लेना है, उसका क्या प्रोसेस है, पूरा हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. मेनली बेसिकली क्या है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी कैशे है तो बिना HTTPS के भी वो बैकअप से पिकअप करके लेके आता है. लेट मी ट्राई दिस, अगर ये करता है कुछ. If I tried something, हाँ वो कैशे से पिकअप करके लेके आया. सो इट इज वर्किंग फॉर मी विदाउट एस एज वेल, क्योंकि वो कैशे से पिकअप कर रहा है. बट इफ यू चेक इन समवेयर इन द न्यू इंस्टेंस, ओके. यस यस शिल्पी, हैव यू शेयर्ड योर स्क्रीन, बिकॉज़ आई एम नॉट एबल टू सी. अभी आपने शेयर किया है क्या? हाँ, आई ऑलरेडी शेयर्ड माय स्क्रीन. तेजल, आपको दिख रहा है क्या स्क्रीन मेरा? यस सर. तो मैं एक बार वापस लॉग इन करती हूँ. हाँ, करके देखिए, एक बार लॉग इन करके देखिए. ओके, नो वरीज. ठीक. सो तेजल, जो ये है ना HTTPS वाला जो फंडा है यहाँ पर, दैट इज मेकिंग द सिक्योर. ओके, ये मैंने सिर्फ कैशे क्लियर करने के लिए दिया था बैकग्राउंड में. सो दिस एस मेक इट एज सिक्योर, इसलिए सर्विस नाउ सिक्योर है मेरा हमेशा. ठीक है. और बिना इसके लॉग इन नहीं होता, बिना इसके ओपन नहीं होता लिंक के, बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम माई कैशे. इट्स Find out everything and becoming the secure one here. ठीक है जी. Second point which was raised by Shilpi. So अभी क्या है, now ServiceNow is not only having these products. I can say this is ITSM, ITBM और ITOM. Okay, ऐसा नहीं है कि ServiceNow सिर्फ यही products दे रहा है. ServiceNow has more products than this. और उसमें स्पेसिफिक प्रोडक्ट आया है TSM, टेलीकॉम सर्विस मैनेजमेंट, जिसे हम कहते हैं स्पेसिफिकली. एंड दैट इज यूज्ड एंड दैट इज प्रिपेयर्ड स्पेसिफिकली फॉर द टेलीकॉम कंपनीज, जैसे नोकिया है, BT है, और कौन से टेलीकॉम के, वोडाफोन है. ये उनके लिए, उनके प्रोसेसेस को अच्छा बनाने के लिए ये जो प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किया. इट मीन्स दिस पर्टिकुलर, इवन आई डिड नॉट हैव अ लुक ऑन दैट हाउ इट्स लुक लाइक बेसिकली. ठीक. बट उनका प्रोसेस, उनके बिजनेस को, उनकी सर्विसेज को अच्छा बनाने के लिए सर्विस नाउ बिल्ड अप अ स्पेसिफिक डोमेन्स, आई विल से डोमेन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स नाउ इन द मार्केट. ठीक है जी. तो ये रहेगा शिल्पी, आगे के वापस. हां जी, हां जी, ठीक है. ईश्वरी,
Yes, sir. Good morning. Good morning. Welcome back. Hope अब आप continue करेंगे class को आराम से, ठीक है? Yes, sir. Okay. So have you gone through the previous trainings or the videos? Yes. Yes, sir. Okay. क्या doubt है उसमें? Let's start from that part. सर मुझे उतना तो नहीं समझ में आया वो, लेकिन डाउट पूछनी इतना नहीं समझ में आया. ओके ठीक है, डाउट पे नहीं जाते, डाउट तो सेकंड पॉइंट हो जाएगा. आप ये बताइए कि जो भी आपने सुना पिछले दो वीडियोस में, आपने व्हिच वी हैव गोन थ्रू द टू वीडियोस, आपको क्या समझ में आया? वहां से स्टार्ट करते हैं, डाउट उसके बाद देखते हैं फिर हम. बताइए क्या समझ में, आपने क्या नोट्स में कुछ लिखे अपने, और आपको क्या लगा कि हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, क्या डिस्कस करा हमने अब तक का? मतलब यही कि सर्विस नाउ मतलब डिपेंड है यूजर्स रोल और ग्रुप पे. ओके. उसके फंडामेंटल्स, सास पास. ओके. वो हाय अतुल. हाय दीपेश. दीपेश ना? यस सर, राइट. हाय दीपेश, वेलकम. थैंक यू. होप एवरीथिंग ओके एट योर एंड बडी. यस, ऑल गुड नाउ. थैंक यू. ओके एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर योर सिस्टर To become a CA. Yes, thanks. Thanks so much. अब से हमारे रिटर्न वही फाइल करेगी. ओके ठीक है. सो नाउ वी हैव टू मोर, आई नॉट हैव टू मोर, टू ओल्ड स्टूडेंट्स इन अवर बैच बैक अगेन. वन इज ईश्वरी एंड अनदर इज दीपेश. ओके सो दीपेश, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लास्ट टू वीडियोज जो ईश्वरी ने बोला कि उन्होंने देखा है, उनको समझ में आया. सो शी इज गिविंग अ लिटिल बिट ऑन दैट पार्ट. So I come to you now. Have you gone through that videos or not? No, actually I was planning to go through that today evening. क्या थोड़ा सा जोर से बोलोगे दीपेश, आपका आवाज बहुत कम है. Sorry, I was saying के I was planning to go through it by today evening. Okay. So okay. But then we can still continue, yeah. Okay. ठीक है. So in the today session basically we are going to be discuss that what are the ServiceNow products. Okay. उसमें वर्कफ्लोज कौन कौन से हैं और उसमें हमें क्या क्या चीजें मिल रही हैं काम करने के लिए, ठीक है? जैसे आई एम नॉट श्योर शिल्पी आपने भी ये सुना कि नहीं सुना, अभी तक सर्विस नाउ ने जितने भी मुझे वर्कफ्लोज दिए, जितने भी मुझे फंक्शनैलिटी दीज, दैट इज अ जेनरिक फंक्शनैलिटी कि आप चाहे आईटी में हैं, आप चाहे बैंकिंग में हैं, आप चाहे फाइनेंस में हैं, यू कैन यूज दोज वर्कफ्लो, यू कैन यूज दोज फंक्शनैलिटी. बट नाउ फ्रॉम द लास्ट सिक्स मंथ्स टू वन ईयर, सर्विस नाउ बिल्डिंग अ स्पेसिफिक मॉड्यूल्स और स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी फॉर स्पेसिफिक डोमेन. जैसे वन ऑफ द डोमेन विच आई नो दैट इज कॉल्ड द टेलीकॉम, TSM, दैट इज द टेलीकॉम सर्विस मैनेजमेंट, एंड दे बिल्ड अप अ न्यू मॉड्यूल फॉर द टेलीकॉम स्पेसिफिक कंपनी. उनका बिलिंग कैसे होगा, उनका कॉल रेटिंग कैसे होगा, उनका कॉल रिकॉर्डिंग कैसे होगा, उनका कॉल डिटेल कैसे होगा, ऑल दिस थिंग्स दे बिल्ड अप अ न्यू प्रोडक्ट. इवन आई डिड नॉट सी दैट प्रोडक्ट टिल नाउ, आई एम ट्राइंग टू बी गेट सम अपडेट कि उसको कैसे एक्टिवेट करना, देन आई विल शो यू एज वेल. So now ServiceNow is going in that areas. They are building in the finance side. Okay, finance में जो जो चीजें होती हैं उसका कोई workflow build करे, so that people should use my product only. ठीक है. As of now, ServiceNow is basically for the IT. उनका incident है, change है, problem है, request है. But now ServiceNow say no. I want to serve my customer from the different domains as well. ठीक है. उसका हम discussion later on करेंगे. So in today's session basically, in today's class basically, we will discuss all this in detail. ठीक है. वर्कफ्लोज क्या होते हैं वो डिटेल में डिस्कस करेंगे, और नाउ प्लेटफॉर्म क्या है वो डिस्कस करेंगे. ओके सो नाउ यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन, सॉरी. ओके ये सब चीजें, ये सर्विस नाउ का वन प्लेस टू अंडरस्टैंड कि सर्विस नाउ में क्या क्या मुझे मिल रहा है. पिक्चर अगर देखोगे तो बहुत अच्छी लगती है, अरे वाह इतना कुछ है. बट अंडरस्टैंडिंग के लिए, इफ आई स्पेसिफिकली फ्रॉम द करियर पर्सपेक्टिव, इफ आई गो फ्रॉम द करियर पर्सपेक्टिव, यू कैन बिल्ड योर करियर इन एनी ऑफ द डोमेन, एनी ऑफ द डोमेन. मतलब इसमें स्पेसिफिक डोमेन्स में भी आप जा सकते हैं आराम से. जैसे इसमें उन्होंने पांच सेक्शन दिए, आईटी, कस्टमर सर्विसेज, एचआर, फाइनेंस एंड अदर. आईटी मतलब कि इफ आई एम वर्किंग इन अ कंपनी, आई एम वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो मुझे उस कंपनी को रन करने के लिए क्या क्या चाहिए. मतलब यहाँ पे चाहिए का मतलब वो नहीं कि मुझे टेबल चाहिए, चेयर चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, वो नहीं. मतलब अगर मैं अपनी सर्विसेज किसी को प्रोवाइड कर रहा हूँ, देन व्हाट शुड आई नीड टू बी ट्रैक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. जैसे
Let's take example. Atul Grover is providing the training to the participants. So मुझे आपसे हर चीज का information चाहिए कि अच्छा बताओ आप जैसे बोलेंगे अतुल मैंने training attend किया लेकिन मुझे ना आवाज नहीं आती है जब आप बोल रहे हो या कैसा वो चीज नहीं होता अच्छा incident है नहीं नहीं अतुल टाइमिंग चेंज करते हैं अपनी ट्रेनिंग का नहीं नहीं अतुल एक काम करो आप ना बड़ा प्लेटफॉर्म लेके आओ इसको इसमें हम 8 लोग हैं मजा नहीं है कम से कम 15-20 लोग ताकि और डिस्कशन हो प्रॉब्लम है आपके पढ़ाने में मजा नहीं आता मुझे पढ़ने में रिक्वेस्ट अतुल मुझे ना ये मॉड्यूल सीखना अगर आपको पता है तो आप प्लीज इसको इंक्लूड करो अपने इसमें सर्विस पोर्टफोलियो कि आप बताओ कि आपके पास और क्या क्या है पढ़ाने के लिए आई टेल यू वन मोर इंसिडेंट आफ्टर व्हेन द क्लास विल बी ओवर ना रिकॉर्डिंग के बाद तब वेंडर मैनेजमेंट अब जैसे मेरे को कुछ टॉपिक्स आते हैं लेकिन कुछ टॉपिक्स मुझे नहीं आते लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो टॉपिक्स आपको आने चाहिए देन आई विल कॉन्टेक्ट समवन एल्स अरे यार एक काम करो मैं ट्रेनिंग लेता हूँ मेरे से तुम पार्टिसिपेट करोगे क्या उनको स्क्रिप्टिंग सिखानी है या उनको वर्कफ्लोस बताने हैं वो चीजें ठीक है और इसके नीचे क्या है मेरा कॉन्टिन्यूअल इंप्रूवमेंट सर्विस मैंने फर्स्ट बैच में देखा अच्छा भाई ये गलतियां थी सेकंड बैच में उसको इम्प्रूव करने का ट्राई कर रहा हूँ थर्ड बैच में उसको और इम्प्रूव करूंगा और एनहेंसमेंट करूंगा ठीक है अगर आप मोटे लेवल पे देखो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी क्योंकि ये स्लाइड आने आगे आने वाले 3-4 स्लाइड्स का ही समअप है आईटी में भी उन्होंने 5 सेक्शन दिए मुझे एक मिनट को मैं मार्क कर लेता हूँ यहाँ से पॉइंटर ठीक है ये रहा ठीक है ये एक है आईटी सर्विस मैनेजमेंट जो बेसिक है जो बेसिक फंडामेंटल है मेरा एक सर्विस प्रोवाइड करने के लिए उसमें ये मॉड्यूल्स उन्होंने मुझे सर्विस ना उन्हें दिए ये सिर्फ ये नहीं कि यही है इसके अलावा ही बहुत है लेकिन लिमिटेड हमने यहाँ लिखे हैं आईटॉम आईटी ऑपरेशन मैनेजमेंट ठीक है इसका फंडामेंटल क्या है इसका इसका नीड क्यों आया मार्केट में मतलब ये सर्विस या किसी कंपनी ने ये क्यों सोचा कि नहीं मुझे अब आईटी ऑपरेशन मैनेजमेंट भी चाहिए लेट मी टेक एग्जांपल ठीक है अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं ठीक है तो उनके पास कितनी कटलरी होती है एनी आइडिया अगर मान लीजिए मैं किसी एक ऐसे रेस्टोरेंट में जाता हूं जहां पर डेली 100-150 फैमिली रात को डिनर के लिए आती है तो उनके पास कितनी कटलरी होगी डेफिनेटली 1000 के आसपास चम्मच होंगी 1000 के आसपास ये होंगे आपके प्लेट्स होंगी कप्स होंगे डोंगे होंगे कटोरी होगी पॉट्स होंगे टोकरी होंगी राइट सो व्हाट इज दैट दैट इज द थिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रन दैट ऑपरेशन अगर इसमें से उस कटलरी में से मैं उनकी स्पून्स को हटा दूं विल दे एबल टू रन देयर बिजनेस विल दे एबल टू प्रोवाइड द सर्विसेज नहीं राइट वो नहीं कर पाएंगे सेम इसी तरह से हमारे आईटी में एक फंडा चल रहा है और आई गेस लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था दैट इज कॉल्ड द CMDB कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट डेटाबेस मैं अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो भी चीजें यूज कर रहा हूं जो भी या मैं बोलूं जिस भी बेस के ऊपर मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं दैट इज कॉल्ड द CI इट कैन बी लॉजिकल इट कैन बी फिजिकल इसका एक और एग्जांपल देता हूं मैं जैसे आपको ठीक है आज से कुछ साल पहले क्या होता था मान ले अभी तो हम बहुत डिजिटल एज में पहुंच गए हैं आज से 5-7-8 साल पहले अभी भी मतलब भी बड़े छोटे शहरों में ऐसा ही होता है मेरे जहां से मैं बिलोंग करता हूं वहां पर अभी भी ऐसा ही होता है आप किसी मेडिकल स्टोर पर जाइए ठीक है आप उसको बोलेंगे भैया ये दवाई दे दो जो भी आपका प्रिस्क्रिप्शन होगा दवाई दे दो वो क्या करते हैं वो जाते हैं उनको पता होता है कि ये वाला जो सॉल्ट है या ये वाला जो ब्रांड है सिप्ला है या कोई भी है वो मैंने इस वाले कॉलम में रखा हुआ है दे गो एंड डू द डिस्कवरी देयर वो वहां जाते हैं उसको ढूंढते हैं अच्छा भाई ये वाला मैंने यहाँ रखा हुआ है ऐसा ही होता है ना अभी भी मतलब अगर आप देखोगे तो ऐसे ही होता है लेकिन जैसे पूना है बॉम्बे है वहां पे क्या है आप पूछो भैया डिस्प्रिन है क्या वो क्या करेगा अपने सिस्टम में ढूंढेगा डिस्प्रिन वो बोलेगा और दूसरे वाले को बोलेगा अच्छा एक काम कर वहां से राइट करना नीचे वाला बॉक्स है नंबर 11 उसमें डिस्प्रिन बढ़िया वो लेके आया व्हाट दे डिड इन दिस केस मतलब इसको इसको फंडामेंटली समझना क्योंकि ये जो आइटम का जो पूरा सेक्शन है ना दिस इज अ हॉट केक इन द मार्केट एट पॉइंट ऑफ टाइम इसके लोग नहीं मिलते मार्केट में अच्छा जो जानते हैं इसके बारे में ठीक है इसके लिए ठीक है सो बेसिकली डिस्कवरी क्या है या मैं इसको एक और एग्जांपल ऐड करता हूं और फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं हम 7 या 8 लोगों ने मिलके
एक कंपनी शुरू करी, ठीक है, लेट्स एक एग्जांपल, हम 7-8 लोगों ने मिलकर कंपनी शुरू करी और हमने अपने जो सर्वर्स है, हमने जो अपने डेटा सेंटर है जहां पर मेरा पूरा फिजिकल सर्वर है वो बनाया पिंपरी में एक जगह पे, ठीक है। आज पहला दिन है तो मुझे पता है कि मेरे डेटा सेंटर में सिर्फ 2 ही सर्वर है, ठीक है, और मैं 2 ही क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई कैन इजिली रिमेंबर ऑन द फिंगरप्रिंट्स, 2 सर्वर हैं, 2 क्लाइंट है, टोटल 4 सर्वर में मेंटेन कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ टेक एग्जांपल, आने वाले 5 साल के बाद या 10 साल के बाद जब ये कंपनी ग्रो होगी और मेरे खुद का डेटा सेंटर और मेरे कस्टमर का जो मैं मेंटेन कर रहा हूँ, दैट बिकम 1000 मल्टीप्लाई, मतलब हजारों सर्वर मेरे पास होंगे, सो कैन आई, इज इट पॉसिबल फॉर मी टू रिकॉर्ड एवरीथिंग इन द रजिस्टर ऑफ द पेपर, हाँ या ना? नो सर, ठीक है। तो उस केस में मैं क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ तो ऐसा सिस्टम चाहिए ना जो सब इंफॉर्मेशन लेके आए मेरे लिए, राइट? सो वो मेरा काम करता है यहाँ पर डिस्कवरी, ठीक है। डिस्कवरी इज अ वेरी 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 टेक्निकल पार्ट बेसिकली। डिस्कवरी होता है क्या, अगर मैं इन शॉर्ट आपको बताऊं, डिस्कवरी का मतलब है कि मैं यहां बैठा हूं और मैंने प्रोग्राम, एक छोटा सा जावा का कोड, छोटा सा स्क्रिप्टिंग का कोड मैंने अपने कस्टमर के नेटवर्क में डाल दिया। जिस मशीन पे वो कोड रन होगा उस मशीन का इंफॉर्मेशन निकल के मेरे पास आता रहेगा, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे हमारे गूगल प्लेटफॉर्म्स हैं, आप गूगल पे जाके सर्च करो, आपको कहीं बाहर जाना है या आपको किसी पिकनिक स्पॉट पे जाना है या आपको कुछ परचेज करना है, आप एक बार सर्च करो, आपके पास उसकी हजारों ऐड आनी शुरू हो जाएंगी। व्हाट इज दैट? दैट इज डिस्कवरी, मतलब कि वो जो हमने चीज सर्च की उस सर्च के साथ एक ऐसा कोड मेरे फोन के ऊपर आ गया जिसने ये देखा कि भाई मैं क्या सर्च कर रहा हूँ, कितनी बार मैंने वो चीज सर्च करी है, और वो उसी की एड बार बार मुझे देता रहेगा, एंड दैट इन्फॉर्मेशन मेंटेन इन द गूगल सर्वर। गूगल को पता चल गया भाई अब जब भी फोन ओपन करेगा ना, और जब भी गूगल ओपन करेगा इसको सबसे पहले ये वाली एड दिखा दो, क्योंकि वो उसको ढूंढ रहा है, ठीक है। सो दैट इज अ डिस्कवरी। इसको डीप में नहीं जाते, अभी इतने रखते हैं। सर्विस मैपिंग बेसिकली क्या होता है, अब जैसे हमारे घर में कटलेरीज होती हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली मैं यहाँ फीमेल स्टाफ से बात करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, कटलेरी होती है। ऐसा कभी नहीं होता कि आप सारी कटलेरी अपने डेली यूज में यूज करते हैं। आप आई एम श्योर, जैसे ईश्वरी इज ऑल्सो मैरिड, शिल्पी मैरिड है, तेजल आई एम नॉट श्योर अबाउट यू, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि भाई आप अपने इनलॉज के यहाँ पे रहते हैं, आपको पता है कि कुछ कटलेरी आपको ऐसे मेंटेन करनी पड़ती है जो आप तब यूज करते हैं जब कोई स्पेशल गेस्ट आता है, राइट? तो वो क्या किया हमने, उसको सर्विस मैपिंग कर दी कि भाई ये वाली कटलेरी तभी यूज होगी जब कोई स्पेशल गेस्ट मेरे पास आएगा, ये मेरे घर आएगा स्पेसिफिकली, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपने CI की मैपिंग करते हैं, ठीक। इसको थोड़ा सा इसको डिटेल में जाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम बट डिस्कस करेंगे इसको, फुल डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है। इवेंट मैनेजमेंट, अतुल, CI इज व्हाट? CI इज कॉन्फिगरेशन आइटम। अच्छा, ठीक है, अब बात करते हैं इसमें सिर्फ एक ये लास्ट बात करेंगे, इवेंट मैनेजमेंट क्या होती है। हम सभी के सभी लोग पोस्टपेड प्रीपेड यूज करते हैं, राइट? बेसिकली जो लोग प्रीपेड यूज करते हैं, जैसे ही उनका रिचार्ज खत्म होने वाला होता है उनके पास मैसेज आना शुरू होता है कंपनी से, हेलो मिस्टर XYZ, आफ्टर 2 or 3 डेज आपका ये एक्सपायर हो जाएगा, प्लीज रिचार्ज इट, राइट? व्हाट इज दैट? दैट इज कॉल्ड द इवेंट मैनेजमेंट। आपको अलर्ट कर दिया उन्होंने, आपको वार्निंग कर दी, 3 दिन पे एक मैसेज आएगा, फिर 2 दिन पे आएगा, फिर 1 दिन पे आएगा। जो 1 दिन पे आएगा वो मैसेज, वो प्रॉपर वार्निंग होगी आपका, वो अलर्ट नहीं होगा, वार्निंग होगी, बॉस अगर आपने अब रिचार्ज नहीं किया आपके सर्विसेज बाड हो जाएंगे, और अभी आपने तब भी रिचार्ज नहीं किया तो नेक्स्ट डे आपकी सर्विस बंद हो जाती है, देन इट बिकम इंसिडेंट फॉर यू, ओहो मेरा तो नेट ही नहीं चल रहा, राइट? सो वो चीजें हम यहाँ पर IT में यूज करते हैं, इवेंट, इसे हम कहते हैं इवेंट मैनेजमेंट स्पेसिफिकली, ठीक है। बाकी 3 टर्म्स को नहीं हम डिस्कस करते, इन तीनों टर्म्स में कोई डाउट, कोई क्लैरिफिकेशन, या किसी के पास कोई अच्छा एग्जांपल हो, दीपेश मैं आपके पास आता हूं, संतोष ने ज्वाइन किया क्या? यस संतोष, यस, ओके। सो अब आप दीपेश और स्पेसिफिकली मैं आपके पास आता हूं, क्या कहते हैं संतोष, एनी स्पेसिफिक एग्जांपल ऑन दिस पार्ट फ्रॉम योर एक्सपीरियंस? डिस्कवरी इज इट?
डिस्कवरी सर्विस मैपिंग या इवेंट मैनेजमेंट दीपेश क्या कहते हैं आपके पास कुछ ऐसे एग्जांपल सो अगर इफ यू वांट टू रिलेट इन आवर रेगुलर लाइफ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस टर्म सो इफ आई से डिस्कवरी सो अज्यूम के आपका फैमिली है राइट एक्सक्यूज मी आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है हेलो नाउ हां दीपेश ऐसे सही आवाज आ रही है थोड़ा सा पास रखिए माइक को अपना आपका फैमिली है यू हैव 4-5 मेंबर्स इन इट सो व्हाट विल हैपन इज अगर गवर्नमेंट को कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए अबाउट योर लोकेशन वेयर यू आर सो दे विल डिस्कवर यू विद द हेल्प ऑफ द डेटा विच दे हैव विथ यू सो व्हाट दे विल डू दे विल सी योर आधार कार्ड और डिटेल्स दे विल दे कैन कॉन्टेक्ट यू सो दैट इज अ पॉइंट वेयर दे आर डिस्कवरिंग यू Now, they will not just discover you because you are the owner of that particular house. What they will do, they will also see what are the other members in that house. So that right. is called as discovery. So it is not just about the one particular entity. It is also about what are other things associated with that entity which can be discoverable. Perfectly. And then that helps to the service mapping. Usko aap bol sakte ho ke, let's say you have a father, then father has a child, then he can have a spouse, something like that. So that can be related as a service mapping that you are discovering first and then you're trying to see if you can map them to some relationship. Or aisa nahi hai ki sirf relationship map hoga. Aap aisa bhi kar sakte hain bhai jo Atul Grover ki family hai usme 4 log hain. 4 mein se 2 log less than 30 hain, 2 log more than 40 hain. तो वो भी रिलेशनशिप कर सकते हैं और डिस्कवरी का सबसे अच्छा एग्जांपल जो मुझे याद आया दैट इज आरोग्य सेतु ऐप मतलब कि आप पूरे दिन में कितने लोगों से मिले वो पूरे ऐप से आपका इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं इवन आपका लोकेशन भी बता देंगे वो कहां पर है राइट दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द डिस्कवरी सिर्फ आपका ऐप ऑन होना चाहिए ब्लूटूथ ऑन होना चाहिए आप जहां मर्जी जाओ और लोकेशन आप जहां मर्जी जाओ पूरा इंफॉर्मेशन उस ऐप में स्टोर हो जाएगा आपका दे डिस्कवर इट टू यू राइट ठीक है सो ये एग्जांपल बेसिकली हम डिस्कवरी के लिए बोल सकते हैं लेकिन आईटी में जो डिस्कवरी रहता है दैट इज लिटिल लिटिल डिफरेंट उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ठीक है अब बारी आती है आईटीएम आईटी एसेट मैनेजमेंट अगेन स्पेसिफिकली क्या बोलू मैं संतोष एंड दीपेश आज के टाइम में करियर के परस्पेक्टिव से इट इज ऑल्सो इन द बूम आईटीएम पूरा बूम पे है इसके भी लोग नहीं मिलते ठीक है आइटम बेसिकली क्या होता है मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ अब हम बात करते हैं यहाँ पर घर की बात करते हैं मेरे घर में जितना भी सामान है दोज ऑल आर माय एसेट्स मेरे घर में मंदिर मेरा किचन किचन में जितना भी सामान पड़ा है इवन अ सिंगल स्पून सिंगल जो हम कहते हैं ना टोकरी है या बर्तन है कुछ भी है वो भी मेरा एसेट है मेरा बेड मेरे बच्चे के खिलौने वो सारे के सारे एसेट्स हैं ठीक है ये तो हुई मेरे घर की बात क्योंकि मैं मेरे को कहीं किसी कागज पर लिख के नहीं रखना पड़ता डेफिनेटली इट इज अ गुड हैबिट फॉर द लेडीज इफ दे कैन मेंटेन सम पेपर कि मेरे घर में इतनी कटलरी है और इस कटलरी ये वाली कटलरी में ये चीजें हैं ताकि कल किसी के घर जाओ या आप शिफ्ट करो मकान जब शिफ्ट करो तो आपको पता हो ठीक है बट हमारे आईटी में इसको मेंटेन किया जाता है एग्जाम्पल मैं देता हूं जैसे हम जिस कंपनी में काम करते हैं उसमें अगर आप नोटिस करेंगे आपको जो डस्टबिन भी मिलता है ना आपकी बे आपके क्यूबिकल के पास आपके डेस्क के ऊपर आपके वर्कस्टेशन के ऊपर आपको डस्टबिन भी मिलता है उसके पीछे भी एक नंबर लिखा होता है बिकॉज दैट डस्टबिन आल्सो एसेट फॉर माय कंपनी ठीक है सो सर्विस नाउ गिव अस ए कंप्लीट मॉड्यूल ऑफ आइटम बॉस आप जाओ और मेरा फॉर्मेट यूज करो और अपना पूरा का पूरा एसेट इसमें मेंटेन करके रखो कोई दिक्कत नहीं है आपको ठीक है यहां पर दो चीजें उन्होंने बोली एक है हार्डवेयर एसेट एक है सॉफ्टवेयर एसेट ठीक है माइक्रोसॉफ्ट के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज अ सॉफ्टवेयर एसेट फर्नीचर शॉप के लिए उसकी दुकान पे जो फर्नीचर पड़ा है दैट इज अ हार्डवेयर एसेट उसके लिए सॉफ्टवेयर से कोई मतलब नहीं है उसको हार्डवेयर से ज्यादा मतलब है लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का अपने सॉफ्टवेयर से मतलब है सो दैट इज अ सॉफ्टवेयर एसेट फॉर देम ठीक है और सर्विस नाउ में इसके रिकॉर्ड भी मेंटेन करते हैं एंड दीज थिंग्स बिकम अ सीआई फॉर मी एग्जाम्पल हाँ एग्जाम्पल कैसे लेते हैं हम जब मॉल में जाते हैं पहले पहले क्या होता था जब हम किसी शॉप पे जाते थे मॉल में जाते थे वो क्या करते थे
उस पे आपका प्रोडक्ट लिया, उसका एमआरपी देखते थे और एक पेपर पे लिख के देते थे. आजकल कैसे करते हैं वो, उसके आजकल वो क्या करते हैं बताइए, हाउ दे डू द बिलिंग इन नाउ डेज. द बारकोड सिस्टम दे यूज एग्जैक्टली. तो उस बारकोड से क्या क्या होता है बताओ ईश्वरी, बताओ. यू गो टू द मॉल, यू बाय समथिंग, दैट प्रोडक्ट हैज अ बारकोड. नाउ व्हाट विल हैपन इन द बैकग्राउंड, उसकी प्राइस पता चलती है सर उससे. ओके हो गया. ओके सेकंड पॉइंट, उसकी क्वांटिटी. क्वांटिटी तो हमने एक लिया तो हमें पता है हमारी पास क्वांटिटी एक है. थिंक फ्रॉम द बैकग्राउंड साइड, आपको कस्टमर के एंड से नहीं सोचना, आप वो मॉल रन कर रहे हो, आप उस हिसाब से सोचो कि वो बारकोड लिखने से आपको क्या क्या चीजें मिल रही हैं बैकग्राउंड में. एवरी डिटेल ऑफ द प्रोडक्ट, आई मीन मॉडल नंबर. ठीक है हो गया. उसके अलावा एक्सपायरी, वो प्रोडक्ट डिटेल हो गया. उसके अलावा तो इट बेसिकली वो बेस्ड ऑन बारकोड इट विल फर्स्ट फाइंड वेदर दैट प्रोडक्ट इज अवेलेबल और नॉट. वंस प्रोडक्ट संतोष प्रोडक्ट है आपके शेल्फ पे, प्रोडक्ट है, मैं शेल्फ प्रोडक्ट लेके आया, मैं बिलिंग के लिए बैठा हूं, मुझे ये जानना है कि जब वो बिलिंग हो रही है तो बैकग्राउंड में क्या काम चल रहा है. आपने बोला प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन मिलेगा, डेफिनेटली मिल जाएगा, प्राइसिंग होगी, एक्सपायरी होगी, उसके अलावा क्या होगा. थिंक फ्रॉम द दैट ऑनर पर्सपेक्टिव, नॉट फ्रॉम द कस्टमर पर्सपेक्टिव. स्टॉक स्टॉक है क्या नहीं है वो चेक करेंगे. स्टॉक है ना, तभी तो मैं लेके आया. ओके आप स्टॉक तक पहुंच. सिर्फ इतना एक पॉइंट है कि जैसे ही मैंने वो बारकोड स्कैन किया और बिलिंग क्लोज हुई, दैट एसेट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट विल बी माइनस फ्रॉम माय क्वांटिटी, कि भाई पहले 10 थे अब 9 रह गए मेरे पास. सो इट मैनेज दैट इन्वेंटरी. एग्जैक्टली राइट. और हो सकता है जैसे ही 9, अगर ठीक है मैं आपको इसी का एग्जांपल देता हूं. मान लीजिए जब कोविड का टाइम था तब इन चीजों की बहुत डिमांड थी, सैनिटाइजर्स की, डिटॉल, क्योंकि ये रेगुलर यूज में थे. ठीक है तो कुछ कंपनीज ने कैसा सेटअप किया, जैसे ही मेरा डिटॉल का स्टॉक 50 पहुंचेगा, मेरे पास एक मैसेज आना चाहिए कि भाई आपका स्टॉक 50 पहुंच गया, यू कैन प्लेस द न्यू ऑर्डर नाउ. दैट इज कॉल्ड द इवेंट मैनेजमेंट. अब मैं बार बार जाके थोड़ी ना चेक करूंगा, अदरवाइज मैंने इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाया उसका फायदा ही क्या हुआ, अगर मुझे जाके अपने शेल्फ पे चेक करना है कितना स्टॉक पड़ा है. राइट आप देखो ना कि अगर आपको सर्विस प्रोवाइड करना है, अगर मैं बोलता हूँ संतोष मुझे आपसे सॉफ्टवेयर खरीदना है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक क्लिक करूं, मुझे पूरा इन्वेंटरी मुझे दिख जाना चाहिए, मेरे पास कितना स्टॉक पड़ा कितना नहीं पड़ा. राइट सो वो बेनिफिट है, जैसे ही बिलिंग क्लोज हुई आपका एक एसेट या आपका जो इन्वेंटरी है, जो आपका एक सीआई है, वो कम हो गया. मैं सीआई तो नहीं बोलूंगा यहाँ पर, बट आपका प्रोडक्ट कम हो गया एक. उसने सीएमडीबी में जाकर अपडेट किया क्वांटिटी को और उसने चेक किया कि भाई क्या मेरा इवेंट का जो थ्रेशोल्ड था 50 का वो मैट हो रहा है कि नहीं हो रहा, और वहां से वो इवेंट जनरेट कर सकता है आपके पास. राइट अगर ये तो छोटा सा, अगर आप होलसेल की बात करो, होलसेल में तो क्वांटिटी हजारों में होती है. हाउ द पीपल मेंटेन, वन टाइम काम होता है कि जैसे कोई नया प्रोडक्ट मेरे शॉप में या मेरे गोडाउन में आया, उसकी बारकोड से एंट्री हो जाए, उसके बाद तो सारा कुछ बारकोड पे चलता है ना, उसका प्राइसिंग, उसका क्वांटिटी कितना रह गया है, कितना मुझे मंगाना है, एक्सपायरी क्या है, वो सब चीज़ों की. ठीक है सो उस चीज़ों को मेंटेन करने के लिए मुझे सर्विस नाउ ने आईटी एसेट मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर एक मॉड्यूल दिया मुझे. सॉफ्टवेयर एसेट और हार्डवेयर एसेट, इनके अलग से लाइफ साइकल्स चलते हैं. ठीक है अब ये जो बात है डेवऑप्स, एंटरप्राइज डेवऑप्स, ये क्यों आया सर्विस नाउ में, क्योंकि अभी तक मतलब दो अप्रॉक्सीमेटली 2018 लास्ट तक हम ITL V3 यूज करते थे. ठीक है एंड नाउ फ्रॉम द 2019 फरवरी 2019 वी आर यूजिंग द ITL V4 और ITL V4 ने DevOps के कंसेप्ट को लॉन्च किया. देन सर्विस नाउ से लेट मी इंट्रोड्यूस दिस पर्टिकुलर टर्मोलॉजीज इन माय टूल एज वेल. ठीक है DevOps Inside. इसमें मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ इसमें बेसिकली रहता है क्या. इसमें बेसिकली क्या रहता है कि मैंने कोई कोड बिल्ड किया, आई डेवलप सम कोड,
आई विल नॉट वेट कि ये कोड कल सुबह जाकर डिप्लॉय होगा. मैंने अपना प्रोग्राम ऐसा, मतलब मैंने अपना सेटअप ऐसे किया, जैसे ही मैं कोई कोड चेक इन करता हूँ वैसे ही वो डिप्लॉय हो जाए. इसका ठीक है, इसका छोड़ो, इसको दूसरे एग्जांपल से बताते हैं. अभी मैं एक वीक पहले डीमार्ट गया, ठीक है. सो दैट पर्सन वाज दैट जो डीमार्ट में था, वो सेल्स का पर्सन था या वो जो फ्लोर पे एग्जीक्यूटिव रहते हैं, ही वॉज सेटिंग अप सम स्नैक्स ऑन द शेल्फ, ठीक है. इट मीन्स दिस कोड वॉज जस्ट डेवलप, लेट्स टेक एग्जाम्पल, वो कोड अभी डेवलप हुआ, वो शेल्फ पे लगा नहीं है. एंड आई आस्क हिम, मैंने उसको पूछा भैया इसका प्राइस कितना है. उसने बोला सर 5 मिनट दो आपको मिल जाएगा. व्हाट इज दैट? दैट इज कॉल्ड द डिप्लॉयमेंट, CICD. आई एम इंट्रोड्यूसिंग टू न्यू वर्ड्स हियर, कंटीन्यूअस, व्हाट आई कैन से, CICD इज बेसिकली कंटीन्यूअस, आई फॉरगेट यार, CICD, कंटीन्यूअस डेवलपमेंट एंड कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन. यस, कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटीन्यूअस डिप्लॉयमेंट बेसिकली. इसका मतलब क्या है कि जैसे ही वो प्रोडक्ट डीमार्ट के अंदर पहुंचा, उसका बार कोड स्कैन हुआ, उसने शेल्फ पे लगाना शुरू किया और मुझे बोला सर 15 रुपए में आपको प्रोडक्ट मिलेगा ये. आई डिड नॉट वेट फॉर अ वन डे कि भाई कल आऊंगा तो कल मुझे यहाँ पे टैग मिलेगा. सर उसने बोला सर 2 मिनट दो शेल्फ पे लग के मैं रेट लगाता हूँ यहाँ पर. दैट इज कॉल्ड द CICD एंड दैट इज द पर्पज ऑफ द डेवऑप्स. अगेन फ्रॉम द करियर परस्पेक्टिव, दिस इज अ वन ऑफ द हॉट केक इन द मार्केट एट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है. कहीं ये मत सोचना अतुल आप इतना कुछ तो बता रहे हो कहीं अगले हफ्ते सबके सब ट्रेनिंग छोड़ के बैठ जाओ और बोलेंगे हम तो कुछ और करते हैं अब, ठीक है. सो ये चेंज ऑटोमेशन का पर्पस यहां से आया, ठीक है. इस पर डीप डाइव नहीं करते क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है और रिक्वायर्ड भी नहीं है अभी मान लिया, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज द सिक्योरिटी ऑपरेशन. अच्छा ये बताइए आप में से कितने लोग हैं जो फ्लैट्स में रहते हैं, मतलब बिल्डिंग्स प्रॉपर फ्लैट्स जो होते हैं ना. हेलो जी, अभी कौन बोल? हेलो अतुल, आई थिंक वी गॉट डिस्कनेक्टेड.